न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है और आज की रेट न्यूज़ शुरू करेंगे। हमेशा की तरह आदत हो चुकी है एक बहुत बुरी बकबक करने की, और हालांकि ये आदत थोड़ी अच्छी भी है क्योंकि मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक एक बहुत ही जबरदस्त कंपैरिजन वीडियो लेके आऊंगा और वो तीन फोन मेरे पास यहाँ पर है, ट्रिपल कंपैरिजन जो बहुत मजा आएगा नेक्स्ट वीक आएगा। बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, लेकिन ये सब आप ही के सजेशन से मैं कर रहा हूँ, तो जरूर से देखना, काफी मजा आएगा। और सुबह में मैंने रेडमी नोट 8 और रियलमी 5 का कंपैरिजन डाला हूँ, नहीं देखा तो देख लेना। नए चैनल पर भी काफी वीडियोस जा रही है, वो भी जाके देख लेना और प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। गर्मा गर्म टेक न्यूज आज भी लेके आ गया हूँ, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, 25,000 लाइक्स को टारगेट को तोड़ दो और फटाफट से आज के रेट न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहां पर व्हाट्सएप से। और दोस्तों एंड्रॉइड के अंदर फाइनली फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाला जो फीचर है वो आ चुका है व्हाट्सएप के अंदर। हालांकि ये ऑलरेडी एप्पल के डिवाइसेस में आ चुके थे, iOS में, मतलब इस साल के फरवरी से ही था उनके पास, घिस घिस के एंड्रॉइड के अंदर आया, लेकिन देर आए पर दुरुस्त है, कोई बात नहीं। जाइए ऐप को पहले अपडेट कर लेना, उसके बाद जाइए व्हाट्सएप की सेटिंग्स में, अकाउंट में, उसके बाद प्राइवेसी में, और आप देखेंगे मेरे पास भी यहां पर आ चुका है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ खाली फिंगरप्रिंट को टच करना है और आप देखेंगे ये अनलॉक हो गया। तो हां, तो आप भी जाके ये चीज कर सकते हैं। उसमें थोड़े बहुत ऑप्शंस भी है, इमीडिएट 30 मिनट समथिंग, ये कुछ है, मतलब कितने टाइम बाद फिर जब होम स्क्रीन पर आते हैं तो वापस आप अगर अंदर जाते तो वो अनलॉक ही रहेगा, या फिर आप चाहे तो उसको इमीडिएटली लॉक भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, आप जाके यूज कर सकते हो। जाइए फिंगरप्रिंट से अपने व्हाट्सएप को भी अनलॉक करना शुरू कर दीजिए। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है और फाइनली दोस्तों एप्पल टीवी प्लस, ये जो उनकी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है, वो अब इंडिया में भी अवेलेबल हो चुकी है, मतलब आज से आप इसका फायदा जो जाके उठा सकते हैं। हाउएवर ये आया था तो US में था, कुछ $5 मंथ था वहां पर, लेकिन अब ये इंडिया में आया है, सिर्फ महीना 99 रुपीस आपको इसके लिए पे करना है, ज्यादा नहीं है। उन्होंने तो इंडिया के साथ में और दूसरी 100 कंट्रीज में भी लेके आ गया है। और वैसे दोस्तों ये बहुत ही चीप प्लान है, इमेजिन एप्पल की तरफ से आपको ऐसी सर्विस मिल रही है, जैसे कि एक कहावत है ना कि जब पुलिस वाला पैसा देता है तो सबसे पहले ले लेना चाहिए, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, मैं कहावत दे रहा हूं, लेकिन यहां पर एप्पल ने भी कुछ वैसे ही कर दिया। अब इसमें दोस्तों ये फिलहाल के लिए आपको एप्पल टीवी ऐप में मिलता है और सारे एप्पल के जो डिवाइसेस अगर आप रहेंगे तो उसमें आपको ये सर्विस मिलेगी। यहां तक कि सितंबर 10 के बाद से अगर आपने कोई भी एप्पल का डिवाइस परचेस किया तो एप्पल टीवी प्लस की एक साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको यहां पर फ्री मिलेगी। वैसे दोस्तों एंड्रॉइड के स्मार्टफोन्स में ये अवेलेबल अभी नहीं है, लेकिन आपको स्मार्ट टीवी जैसे कि सैमसंग के स्मार्ट टीवी, अमेजोन फायर स्टिक, उसमें ये ऐप मिलेगा तो उसका फायदा उठा सकते हैं। धीरे धीरे दूसरी जगह पर भी ये आ जाएगा। यहां पर दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे शोज मिलते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम, ना ये उन्हीं को कंपीट करने के लिए आया। इमेजिन एप्पल महीना 99 रुपीस ही ले रहा है, जबकि नेटफ्लिक्स शुरू होता है 199 से और एमेजॉन होता है 130 से। एप्पल ने इस बार बाजी मार दी है। तो यहां पर दोस्तों गूगल की तरफ से खबर आ रही है और गूगल ने यहां पर एक अपने नए पेपर फोन को जो लॉन्च कर दिया है। जी हां, अभी आप सोच रहे पेपर और फोन, मतलब पेपर फोन क्या बात है, लेकिन गूगल ने सबका काटा है इधर। हालांकि ये पेपर फोन जैसा है लेकिन पेपर फोन नहीं है, मैं समझाता हूं आपको। ये एक उनका डिजिटल वेलबींग प्रोग्राम जो है, यूसी का एक इनिशिएटिव है, जहां पर आप अपने स्मार्टफोन्स की वो तमाम इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो अपने एक पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं, या आप भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर दोस्तों पेपर फोन करके एक ऐप है, प्ले स्टोर से आप उसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद उनमें वो सारी चीजें सेलेक्ट करना है जो आपको दिन भर आप करते हैं, जैसे कि मैप्स में अगर कहीं ट्रैवल करते हैं, कॉन्टैक्ट से टास्क है, कुछ ऐप कंपेटिबल्स है जो उसमें आप कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको वो करने के लिए देगा। उसके बाद आप अपने फोन को जेब में रखना है, बार बार निकालने की देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही एडिटिवनेस गूगल उसको रोकना चाहता है पेपर की वजह से। वैसे इंडिया में भी दोस्तों 299 मिलियन से ज्यादा लोग स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो सोचो हम कितना ज्यादा पूरा दिन फोन में देखते हैं। अब इसके बाद आपको अपने पेपर को हाथ में रखना है जो गूगल ने काटा है उसको, और उसके बाद फिर आपको उसमें टिक करना है कि हां मैंने ये टास्क किया, हां ये नंबर है, चलो मैंने फोन लगा दिया, हां ये सब काम है, थोड़े बहुत गेम्स भी उसमें आप बना के खेल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एडिटिवनेस है जिसको खत्म करने के लिए गूगल ने लाया। मैं नीचे इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा हूं हमारी ख्वाहिश फिर बढ़ेगी, कल को बोलेंगे यार इसमें एक अपडेट आना चाहिए जिससे हम यूट्यूब के वीडियोस भी प्रिंट कर सके फिर बोलेंगे पबजी भी डाल दो और गुस्से में कभी फाड़। खैर गूगल का इनिशिएटिव मुझे अच्छा लगा, लेकिन गूगल ने फाइनली सबका काटा है। तो यहां पर दोस्तों मोटोरोला की तरफ से खबर आ रही है और मोटोरोला का रेजर, ये जो स्मार्टफोन है 13 नवंबर को लॉस एंजेलिस में जो वो लॉन्च होने वाला है। हालांकि एक क्लासिक फोन है जिसको मोटोरोला रीबूट कर रहा है, लेकिन इस बार आपको इसमें एक फोल्डेबल स्मार्टफोन के रूप में मिलेगा, जहां पर ये क्लैम शेल टाइप यानी कि वर्टिकल टाइप होगा। जब आप बंद करेंगे तो आपको सामने छोटा डिस्प्ले दिखेगा, और जब ओपन करेंगे तो अंदर फुल आपको डिस्प्ले मिलेगा। जो रूमर है कि 6.2 इंच की आपको एक ओएलईडी डिस्प्ले मिलेंगी, कुछ इस तरीके का ये फोन होगा। तो इसकी कुछ पिक्चर्स यहां पर इवन ब्लास्ट फाइनली जो बहुत
एक्यूरेट लीक्स देते हैं उन्होंने शेयर करी है, जहां पर आपको ये फोन दिखाई दे रहा कुछ इस तरीके का होगा। मतलब पहली बार हमें कुछ रियल टाइप की पिक्चर्स अब मोटरोला रेजर की तरफ से देखने को मिल रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं दोस्तों, क्योंकि इसका जो क्लासिक वाला था फ्लिप वाला वो तो बहुत कमाल बिका था, और ये भी वैसे फ्लिप ही होगा, लेकिन इसमें फोल्डेबल स्मार्टफोन मतलब फुल स्क्रीन और क्या कुछ नहीं मिलेगा। देखते हैं दोस्तों 13 तारीख को ये फोन आता है और क्या प्राइस होता है, और क्या हमें ये इंडिया में देखने को मिलता है, और क्या वाकई में ये कमर्शियली निकलेगा बाहर, ये तो आएगा तो मैं आपको जरूर से इसके बारे में बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों वीवो की तरफ से खबर आ रही है और वीवो S5 इसकी फाइनली लॉन्च डेट निकल कर आ चुकी है, और चाइना में दोस्तों ये 14 नवंबर को जो वो लॉन्च होने वाला है। वीवो S1 इंडिया में आया था, ठीक फोन था, फिर चाइना में वैसे दो गए थे, वीवो S1 वीवो S1 प्रो, चलो ठीक है, लेकिन वीवो S5 की खाली एक झलक आई थी निकल कर कि पीछे डायमंड शेप टाइप आपको जो वो कैमरा मिलेगा, बाकी उसके अलावा उसमें क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। ये S5 जो आएगा वो 14 नवंबर को चाइना में जाएगा, और हमें ऑब्वियसली ये इंडिया में भी देखने को मिलेगा इसी महीने, जहां तक मैंने बात किया मुझे पता चला। लेकिन 14 नवंबर को तो मेरे भाई के बर्थडे, मुस्कुरा कैसे रहे, देखो दांत दिख रहे। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, और जब से iPhone 11 आए हैं तब से मिक्स्ड रिएक्शन है लोगों के दिमाग में। कुछ बोल रहे हैं कि ट्राइफोफोबिया होता है उसमें, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं महंगा है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं सस्ता है, वो कौन बोला पता नहीं। लेकिन यहां पर दोस्तों अब एप्पल का जो आईफोन में 11 में जो स्लो फीस वाला जो फीचर था, मतलब सेल्फी में आपको HD में 120fps में आप जो स्लो मोशन वीडियो निकालते, तो वो एप्पल ने ही लाया था, और एप्पल ने इसको स्लो फीस नाम दिया था, और एप्पल बोला था ये हमारा ट्रेडमार्क है, हम किसी को छीनने नहीं देंगे, ना उसका गला दबा देंगे जगह पे। अब यहां पर Samsung ने One UI Beta जो था उनका वर्जन 2 का, उसमें ये फीचर डाल दिया है। अब Xiaomi भी यहां पर जो वो लेके आएगा, और Xiaomi की खासियत ही होगी कि हर फोन में Xiaomi आपको ये दे सकता है, क्योंकि जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि XDA डेवलपर्स द्वारा यहां पर हमें ये पता चल रहा है एक MIUI ऐप का कैमरे का ऐप का जो वो कोड से पता चला कि Xiaomi भी सेल्फी में स्लो फीस लाने की प्लानिंग कर रहा है, जो HD में आप यहां पर निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे करके उल्टे पुलटे हरकत आप अभी Xiaomi के फोन में 10 में मत करना, वरना लोग बोलेंगे इसको क्या हो गया। और यहां पर दोस्तों लगे हाथों Xiaomi का जो Mi Note 10 है, इसकी भी यहां पर ग्लोबल लॉन्च डेट निकल कर आ चुकी है, और ये स्मार्टफोन 14 नवंबर को जो वो ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। जी हां, चाइना के बाहर जो Mi CC9 Pro 5 नवंबर को जा रहा है, 14 नवंबर को ये Mi Note 10 बनके ग्लोबली जाएगा, उसके बाद पता नहीं हमें इंडिया में क्या नाम से मिलेगा। हो सकता है जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि Xiaomi भी फ्लैगशिप फोन इंडिया में लाने की प्लानिंग कर रहा है, हो सकता है Note 10 को वो रिबूट कर दे इंडिया में, या फिर हो सकता है वो अलग ही टाइप के एक स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दे, लेकिन नवंबर में Xiaomi की कोई प्लानिंग नहीं है मैंने जहां तक बात किया इंडिया में लॉन्च करने की। तो हो सकता है ये जो फोन है वो हमें दिसंबर के महीने में देखने को मिल सकता है। तो ये वर्ल्ड का पहला पेंटा कैमरा वाला स्मार्टफोन है, जिसमें आपको प्राइमरी 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा देखने को मिल रहा है 14 नवंबर, मेरे भाई का बर्थडे, फिर दांत निकल रहा है। तो यहां पर दोस्तों Q3 2019 की ग्लोबल शिपमेंट रिपोर्ट निकलकर आ चुकी है, और पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ कि इस बार पनौती नहीं लगी, मतलब हर क्वार्टर में इस साल में Q1 Q2 के अंदर ग्लोबली हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही थी ग्लोबल शिपमेंट की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन Q3 में दोस्तों 380 मिलियन स्मार्टफोन्स शिप्ट हुए। अगर पिछले साल Q3 2018 से कंपेयर करें तो पिछले साल 379.8 मिलियन था, हालांकि इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पनौती हटी है तो थोड़ा यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। वैसे दोस्तों अगर ये लिस्ट आप देखते हैं तो उसमें सैमसंग नंबर 1 पोजीशन पर है, पिछले साल भी सैमसंग ही था, इस बार सैमसंग 20.6% पर है, आप देखेंगे इसका मार्केट शेयर इतना ज्यादा है। उसके बाद Huawei 17.6% और तीसरे पर एप्पल है 11.8%, हालांकि ये तीनों का मिला के ही पूरा मार्केट शेयर इन्होंने ले लिया, हाफ तो इन तीनों का ही है और बाकी का रिमेनिंग सबका है। लेकिन यहां पर Samsung, Huawei और Realme के अलावा बाकी सबको पिछले साल से डिक्लाइन मिली है, यही तीन ऐसी कंपनी जो पिछले साल से उनको जो वो ग्रोथ देखने को मिली है। और Realme को देख लो भाई, 7वें नंबर पर ग्लोबली पर आ गया है, और हाउएवर टॉप 5th में देखेंगे तो Oppo और Xiaomi आपको दिखाई दे रहे। ये एक लिस्ट निकल कर आई है Q3 की ग्लोबल शिपमेंट की, वैसे आपका क्या ख्याल है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यहां पर दोस्तों लगे आते Samsung का जो नेक्स्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा, जो अभी Samsung ने खुद जो उसका टीजर शेयर किया था, जो ऐसा वर्टिकली क्लैम्पशेल टाइप होगा, उसका नाम निकल कर आ चुका है, वो है Samsung का गैलेक्सी W20। जी हां, ये 5G के साथ में नवंबर के महीने में, मतलब इसी महीने के अंदर जो वो लॉन्च हो जाएगा। जी हां, इंडिया में कभी आएगा नहीं पता, लेकिन ये तो आते ही पहले तो कुछ उसके प्रोटोटाइप से निकलेंगे, शोकेस करेंगे, और उसके बाद शायद से वो लोग कमर्शियली अवेलेबल करेंगे। लेकिन W20 इसका टीजर देख लो कितना कमाल लग रहा है, मतलब ये पोस्टर देख लो, 5G भी लिखा है, मतलब ये Samsung का वर्टिकल फोल्डेबल स्मार्टफोन आने वाला है। वैसे क्या आप तैयार है लाखों रुपए देने के लिए, कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि दोस्तों फेसबुक का एडिक्शन एक टाइम पर इतना ज्यादा हो चुका था कि साइकोलॉजिस्ट को फाइनली एक नया मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर निकालना पड़ा था, और वो नाम था फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। होगा ही ना, इतना स्कैम जो किया है,
मेंटली टॉर्चर तो करेगा ही ना हमको। तो आज की रेगनूज खत्म होती है, आपको आज की रेगनूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक्नोज लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हेलो स्टूडेंट, रेगनूज में आप लोग का स्वागत है। और बहुत पहले तो जाना है प्ले स्टोर में अपडेट, फोन ही अनलॉक कर दिया, अकाउंट्स में जाना, प्राइवेसी में जाना। One.